हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक नई भर्ती आई है। योग्यता आईटीआई या ट्वेल्थ है, आयु 18 प्लस में है, वेतन 81,000 रुपये है। महिला और पुरुष कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पूरी डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, यदि आपका भाई बहन या कोई फ्रेंड आईआईटी जेई नीट एम्स की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए सुनहरा अवसर है। इनविंसिबल ने सुपर 50 बैच का प्रोग्राम किया है, जिसके तहत आप एक टेस्ट देकर उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करके आप मात्र 30,000 रुपये साल के देकर अपनी कोचिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं नीट एम्स जेई की टॉप फैकल्टी के द्वारा। यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, आप दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो डेट रखी गई है एग्ज़ाम की, वो 26 तारीख और 19 तारीख रखी गई है। जो परसेंटेज है भाग लेने के लिए इस टेस्ट में, वो 70% प्रीवियस क्लास में नंबर होने चाहिए, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। आप इन नंबरों पे कॉल करके फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर क्लिक करोगे, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे, ktdtjobnews.com पर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए BSF में हेड कॉन्स्टेबल के लिए फार्म निकले हैं, ठीक है, हेड कॉन्स्टेबल के। दोस्तों, यहाँ नीचे आते हैं, पद का नाम है दोस्तों BSF हेड कॉन्स्टेबल। हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर 300 पद है, हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक 772 पद है। ये दो प्रकार के पद है दोस्तों, ठीक है, और ये 7-3-10-1072 पद के आसपास ये भर्ती है। वेतन की यदि बात की जाए तो मिनिमम वेतन 25,500 रुपये है, मैक्सिमम वेतन 81,000 रुपये है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप ये सारी डिटेल हिंदी में देख पाएंगे। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो पूरे भारत में कहीं पर भी आपको नौकरी करनी पड़ सकती है। आयु सीमा 18 से 25 साल है दोस्तों, ठीक है। एज की काउंटिंग 12 जून 2019 से की जाएगी। फार्म भरने की कितनी फीस है? जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है। SC ST फीमेल की कोई भी फीस नहीं है दोस्तों। जिन लोगों को फीस भरनी है वह ऑनलाइन ही भरनी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, अब बात आती है योग्यता की। तो यहाँ पे दो प्रकार की वैकेंसी है, दो प्रकार के पद है, तो दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जिसने 10वीं पास कर रखी हो और साथ में नीचे दी गई ITI की ट्रेड पास कर रखी हो, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। ट्रेड कौन सी है ITI में? रेडियो एंड टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर। यदि आपने ये ITI कर रखी है तो आप हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, मेन बात, यदि आपने ITI नहीं कर रखी है, आपने 12वीं कक्षा नॉन मेडिकल से कर रखी है और आपके 60% से ज़्यादा नंबर हैं, तो आप ऊपर दिए गए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप योग्य हैं, ठीक है। यानी कि या तो आपने ITI कर रखी हो इन दिए गए ट्रेड में, या आपने प्लस टू नॉन मेडिकल से कर रखी हो और 60% से ऊपर नंबर हो आपके प्लस टू में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, दूसरी जो पोस्ट है हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक, इसके लिए क्या योग्यता है? कोई भी कैंडिडेट जिसने 10वीं पास कर रखी हो, साथ में नीचे दी गई ITI की ट्रेड पास कर रखी हो, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, रेडियो एंड टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि आपके पास ये ट्रेड है ITI की, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेडियो मैकेनिक वाले के। और यदि आपके पास ITI नहीं है और आपने प्लस टू कर रखी है नॉन मेडिकल से, 60% से ज़्यादा नंबर है, तो आप इस पद के लिए भी एलिजिबल हो दोस्तों। आप दोनों पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आपका जी चाहे उसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की यदि बात की जाए, जो मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट इन्होंने मांगी है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। जो मेल के लिए चेस्ट है नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर मांगी गई दोस्तों। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से आप ये पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब यदि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात की जाए PET की, तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है 6.5 मिनट में, ठीक है। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में, ठीक है दोस्तों।
लॉन्ग जंप भी होगा इसमें, हाई जंप भी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फार्म भरने का क्या प्रोसेस है दोस्तों, यह फार्म आपको इंटरनेट से ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा। बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से यह फार्म भर सकते हैं और नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, फार्म भरने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ ले, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो रिटन एग्ज़ाम होगा, पीएसटी होगा, फिर पीईटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और उसके बाद में फाइनल मेडिकल एग्ज़ाम होगा। यदि आप ये सभी स्टेप क्रॉस कर देते हो तो आप इस जॉब में लग जाओगे। अब बात आती है महत्वपूर्ण तिथियों की, तो 14 मई से ऑनलाइन फार्म स्टार्ट हो चुके हैं, 12 जून 2019 तक आप यह फार्म भर सकते हैं। फीस भरने की अंतिम तिथि 12 जून 2019 है, तो 12 जून तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो फीस भरने की डेट है वो भी 12 जून ही है दोस्तों। यदि आप फार्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन पर आ सकते हैं, और यदि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी भर्ती आईटीआई या ट्वेल्थ बेस पे, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए बहुत सारी वैकेंसी भी आई हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप इनकी डिटेल भी यहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगी है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।